हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए खुद की जांच करें कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। अक्सर हम दूसरे की जांच करते हैं कि उसकी आदतें इस तरह हैं, उसका व्यवहार इस तरह है, उसका तरीका इस तरह है। दोस्तों के साथ चाय की बातचीत में हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में बात करते हैं। हम दूसरों के व्यवहार की जांच करते हैं, हम दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन नहीं करते हैं। मेरा मतलब है, मैं कैसे हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा मूड कैसा है, मेरा भाषण दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, मैं कैसे दिखती हूँ। वास्तव में हम दूसरों को उसी कारण अपमानित करते हैं जिस कारण हम अपनी कमजोरियों को ढक लेते हैं। अन्यथा जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो हमें कहना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतनी बुरी चीज़ है, ये चीज़ें ऐसी हैं, मुझे इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, मैंने ऐसी गलती की। लेकिन जितना संभव हो हम खुद को पूर्ण और परिपक्व दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, आपका भाषण कैसा है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, हम खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिन भर अपने व्यवहार को देखें। दिन भर क्या किया गया, कैसे बोला गया, इसकी जांच की जा सकती है। एक मान्यता है, संकट के समय लोगों की पहचान की जाती है, अर्थात विपत्ति के क्षण में व्यक्ति की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य, बुद्धि, ढंग, प्रवृत्ति, संयम आदि को पहचाना जा सकता है। इस समय हम संकट से घिरे हैं, सही मौका है कि हम खुद की जाँच करें। इस समय वैश्विक महामारी की तरह फैलने वाले कोरोना वायरस ने दहशत पैदा कर दी है। ये संकट जो इसके उत्तरी पड़ोसी चीन और इसने भारत को भी पूरी तरह से घेर लिया है। इस समय एक जागरूक नागरिक के रूप में आपने क्या किया, अपनी व्यक्तित्व स्वच्छता पर ध्यान दें। क्या आपने सुरक्षा संबंधी सावधानियां अपनाई हैं? क्या आपने अपने परिवार और पड़ोसियों को सही सलाह दी? क्योंकि कुछ सोच रहे होंगे ये सरकार का काम है, ये अस्पताल का काम है, ये एक डॉक्टर का काम है। हालांकि अकेले सरकार के प्रयास से पर्याप्त नहीं है। जब तक हम सभी में जागरूकता और सतर्कता नहीं होगी तब तक इसे नियंत्रित करना संभव नहीं है। क्या आप इस संवेदनशीलता को समझते हैं? क्या आपने संभावित जटिलताओं से बचने के लिए राज्य की कॉल का अनुपालन किया है? कुछ इस अवसर का विरोध कर रहे हैं, कुछ झूठी अफवाह फैला रहे हैं, कुछ ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब हम सोच रहे होंगे कि दूसरों के आदेशों का पालन क्यों करें, दूसरों से सावधान क्यों रहे। यदि आप सुरक्षित हैं तो दूसरों की आवश्यकता क्या है? इस तरह की असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना सोच हमारी मूर्खता को उजागर करती है, क्योंकि इस समय हमें मिलकर संकट से बचाव करना है। इसमें सभी के सहयोग और समर्थन की जरूरत है, इसलिए हमें आत्म अनुशासन का पालन करना होगा। आपको खुद को संयमित, निरंतर सतर्क रखना होगा। कोरोना वायरस फैलने से हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां कैसे बदल गई हैं? हमारा सामाजिक व्यवहार कैसे चल रहा है? आइए मूल्यांकन करते हैं, ये हमें खुद को जानने का मौका भी देता है। इस समय असहाय, विकलांग, कमजोर लोग जोखिम में हैं। हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य कार्यकर्ता जोखिम में कार्यरत हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में काला बाजार के खिलाफ क्या कर सकते हैं? हम अपनी भूमिका पा सकते हैं। इसके अलावा हम अन्य समय या स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, आइए मूल्यांकन करते हैं। विकलांगों के सामने, मान लीजिए कि एक अंधा व्यक्ति एक अजीब रास्ते पर चल रहा है, क्या हम उसे धक्का देते हैं या उसकी मदद करते हैं? जब वे सार्वजनिक परिवहन पर होते हैं या किसी स्टोर पर खरीदारी करते समय हम उनकी मदद कैसे करते हैं? बुढ़ापे के सामने, ये ऐसा है जैसे कोई बूढ़ा आदमी बैठा हो, क्या हम उसके साथ सम्मान या अवहेलना करते हैं? कमजोर व्यक्ति के सामने, कई में कमजोर, गरीब, असहनीय, अवमानना वाले छोटे व्यक्ति और बड़े लोगों के कोड़े से मारने की प्रवृत्ति होती है, क्या हम ऐसे व्यक्ति को फटकार या सम्मान और संतुलित के साथ व्यवहार करते हैं? जानवरों के सामने, मान लीजिए कि आपको सड़क पर एक आवारा कुत्ता दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप लात मारते हैं या सहानुभूति पूर्वक खाने के लिए उसे कुछ देते हैं? किसी सार्वजनिक स्थान पर, क्या हम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हैं, जोर से बोलते हैं, थूकते हैं, कागज और प्लास्टिक को अंधाधुंध फेंकते हैं, या हम विनम्रता से व्यवहार करते हैं? दोस्तों, आप इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने पर
ये जान पाएंगे कि आप आखिर में क्या हैं। आप खुद को पहचान पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।